से बंधी है, मन की सृष्टि है। मन जरा सा हटा और इधर सारे चीजों से आप हटे, लेकिन ये जो चीज है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसमें मन पे नियंत्रण की बात है कि आपको पागल नहीं बनना है, विकृत मति का नहीं बनना है, सब जानते हुए भी ना जानने की बात करनी है। जैसे कि अभी आप जानते हैं फिर भी आप उसके विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, जान रहे हैं सब छोड़ के जाना है लेकिन व्यवहार ऐसा है कि सब पाना है, सब मेरा अपना है। मन पर नियंत्रण की कथा है और ये बड़ा कठिन है, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं ये सब का हूं नहीं। तो मन की सृष्टि में मनु बने और मन को सबसे पहले जो सुहाता है रूप, तो सतरूपा बनी, मनोस्तु सतरूपाया तिस्त कन्याश्च जग्गिरे प्रसूति देव हूतिश्च आकुति इति विश्रुता। ये पहला कुटुंब है मनु महाराज का, उनकी तीन पुत्रियां हैं। अब ये उनकी कथाएं हैं। पहली पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष इसलिए तपस्या की कि मुझे एक योग्य पत्नी मिले, इसलिए नहीं कि उस पत्नी का भोग करना है, उसके साथ सुखी से रहना है। और विवाह होने के बाद 12 वर्ष इसलिए तपस्या की कि उच्च 12,000 वर्ष इसलिए तपस्या की कि उच्च कोटि की संतान पैदा हो। जो सृष्टि के कल्याण का कारण बने, जो कहीं अपराधी ना बन जाए, मुझे ईश्वर से कम संतान नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर जैसी संतान चाहिए, ईश्वर ही संतान रूप में चाहिए। जब कर्दम और देवहूति संतान के लिए संकल्प करने लगे तो कर्दम ने देवहूति से पूछा कि तुम क्या सोच रही हो, क्योंकि संकल्प, जब आप संतान के लिए संकल्प कर रहे हैं तो ये सबसे पहला है। जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसमें सबसे पहला है, यहां से आप प्रारंभ कर रहे हैं किसी जीव का, तो ध्यान रहे बिना तैयारी के ना हो, मुहूर्त का ज्ञान हो, कोई काउंसलिंग हो कि कब करें संकल्प कब न करें संकल्प, क्योंकि यहां से आप एक सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा देव दे सकते हैं। जब दिति कश्यप ऋषि के पास गई कि मुझे संकल्प करना है, उस समय संध्या का समय चल रहा था, प्रदोष काल था, कश्यप ने कहा यह समय संकल्प के लिए अच्छा नहीं है, अशुभ समय है, शिवगण धरती पर आए हुए हैं। दिति ने कहा नहीं, संकल्प अभी करना है। तो उससे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे दैत्य पैदा हुए। आपको संकल्प करने से पहले तैयारी होनी चाहिए कि किस मुहूर्त में, किस घड़ी में अमावस्या प्रतिपदा न हो। इसके बड़े संस्कारों की पुस्तकें हैं, और किसी को कहीं ना मिले तो एक ऋषि जैसे एक संत ने 16 उपचार करके एक बहुत सुंदर वेबसाइट बनाई है, वहां ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अब कहीं भागने जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो गर्भाधान के लिए तैयारी है। देवहूति से पूछा कि तू क्या चिंतन कर रही है, बोली मैं भवानी का चिंतन कर रही हूं, दुर्गा का चिंतन कर रही हूं, मैं देवी का चिंतन कर रही हूं। तो कर्दम देवहूति को अनुसुईया पैदा हुई, जिनके दत्त भगवान पुत्र थे, चंद्रमा दुर्वासा जिनके पुत्र थे, जिन्होंने भगवान को तो बौना बना दिया, दूध पीने वाला छोटा बच्चा बना के पालने में झुला दिया,
दूसरी पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, यज्ञ पैदा हुए। मनु महाराज ले गए, कहीं अच्छी चीज मिले तो ले लें। और सच मानिए आज के समय में तो मुस्कुराहट भी एक यज्ञ है। कोई किसी को देख के मुस्कुराता नहीं है, सबके चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई है। बनावटी तो है, अभी हंस देंगे, लेकिन किसी को देख के प्रसन्नता वाली मुस्कुराहट नहीं है। कि किसी के सुंदर स्वास्थ्य को देख के आप मुस्कुरा रहे हैं, किसी की सुंदर उपलब्धियों को देख के आप मुस्कुरा रहे हैं, कुंभ को देख के मुस्कुरा रहे हैं, कैसे संतों का जमावड़ा है ना। मुस्कुराहट बहुत बड़ा यज्ञ है, बड़ा कठिन है किसी को मुस्कुराहट दान करना। किसी को आप मुस्कुराहट दान करिए, किसी को प्रेम करना बड़ा कठिन है आज। किसी को प्रेम करने के लिए हृदय को तैयार करिए। ये यज्ञ है आज कलयुग में। किसी को देने की इच्छा रखिए, साथ में लेने का भाव ना आवे। ये यज्ञ है जो आकुति और रुचि को पैदा हुआ, जिसे मनु महाराज ने हाथ जोड़ के ले लिया कि इसे मैं लूंगा। मनु महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष से हो गया। कई बार हम जब अपनी कन्याओं का विवाह करते हैं तो गाड़ी बंगले से विवाह कर देते हैं, कि महाराज जी वो तो बहुत बड़े परिवार के लोग हैं, उनके पोर्च में तो 4-5 गाड़ियां खड़ी हैं। बहुत बड़ी उनकी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी दुकान है, बड़ा नाम यश कीर्ति है। ये ऐसा मत सोचना कि आप आज धोखा खा रहे हो। ऐसे स्वयं मनु धोखा खा गए। उन्होंने अपनी तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह गाड़ी घोड़े बंगले से कर दिया, बड़े वैभव से कर दिया, बड़े यश कीर्ति नाम वाले एक व्यक्ति से कर दिया। कि इनका बाजार में डंका चलता है, ये बड़े ऊंचे हैं। इनका बहुत नाम है। तो प्रसूति का विवाह दक्ष से हो गया, इनकी पुत्री हुई सती। और दक्ष की किसी से बनती नहीं, दक्ष की किसी से नहीं बनती। उधर देवहूति और कर्दम को कपिल पैदा, क्योंकि ये तो विवाह इस शर्त पे हुआ था देवहूति से विवाह करने से पहले कर्दम ने ये शर्त रखी थी। जैसे सुखदेव ने गर्भ से निकलने से पहले अपने पिता से शर्त रखी थी कि मैं गर्भ से तो बाहर आ जाऊंगा पिताजी, लेकिन मैं उसी क्षण संन्यास लूंगा और मैं वन को चला जाऊंगा।